Assalamualaikum dear student I hope you are all well dear student from today onward we are going to start our T2 syllabus okay अब syllabus में आपको जो given है आप उसे मत देखें हमने जहाँ पे stop किया था अपने U3 three के slavers को we will continue with that okay तो हमने जो last class पड़ी थी that was about fraction and modern fraction okay ये हमारे दो chapter थे जो हमने पढ़े थे U three slavers के लिए और हमारा जो next chapter है that is also अबाउट फ्रैक्शन एंड दिस इज अबाउट डेमल फ्रैक्शन तो आपको पहले फ्रैक्शन का पता होना चाहिए जो हमने अभी तक पढ़ा है दैट मीन गिव यू जिस्ट हमने क्या क्या पढ़ा है सो so दैट एक जो हमारी कॉन्टीन्यूटी <coughs> जो है वो बन जाए ठीक है हमने फ्रैक्शन पढ़ा था ठीक है फ्रैक्शन क्या होता है जब हम किसी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ठीक है उसे हम क्या कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं पी बाई क्यू में पी बाई क्यू मीन्स न्यूमिरेटर एक हमारा न्यूमिरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है ओके इस फॉर्म में हम लिखते हैं फ्रैक्शन को ये हमने पढ़ा था अब ये जो न्यूमिरेटर होता है ये बात करता है किसकी इसकी नंबर ऑफ पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब हम किसी पार्ट के बारे में जिस बारे में बात कर रहे हैं उसको डिनोट करता है न्यूमिरेटर और जब डिनोमिनेटर होता है वो क्या बताता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल लाइक दिस इज अ बॉक्स इट इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट ओके अब मैं बोलूंगी इसकी फ्रैक्शन लिखो तो आप क्या लिखोगे मैं कहती हूँ कि शेडिड एरिया इसमें कितना है तो आप बोलोगे मैम इसका है तो वो हमारा न्यूमिरेटर में आ जाएगा जिसके बारे में बात हो रही है हम शेडिड एरिया के बात करें वन बाय फोर ठीक है और टोटल पार्ट कितने हैं फोर हैं तो वन बाय फोर ये होगी हमारी फ्रैक्शन ये थी हमारी फ्रैक्शन ओके अब मैं कहती हूँ अनशेडिड एरिया कितने हैं तो आप क्या बोलोगे हर बार में शेडिड की नहीं आपने हर बार न्यूमिनेटर में शेडिड नहीं लेना है आपने किस बारे में बात हो रही है नंबर ऑफ पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ फर्स्ट एग्जांपल में मैं बात कर रही थी शेडिड एरिया की तो हमने वन लिया अगर मैं बोलती हूँ अनशेडिड एरिया तो इसमें अनशेडिड एरिया कितने हैं इफ़ यू काउंट वन टू थ्री तो कितने हैं अनशेडिड एरिया थ्री तो टोटल पार्ट तो वही रहेंगे फोर थ्री बाई फोर ओके तो हम किस बारे में बात करें वो हम न्यूमिरेटर में लिखते हैं और जो टोटल पार्ट होते हैं वो डिनोमिनेट ये तो बेसिक था इसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा इसके बाद हमने पढ़ा इसमें कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूमिनेटर में होता है उसको हम लेते हैं एज अ डिविडेंड और जो डिनोमिनेटर में होता है वो लेते हैं डिवाइजर ओके जो न्यूमिनेटर में होता है वो डिविडेंड होता है और जो डिनोमिनेटर में होता है डिवाइजर होता है अगर ये होता फोर बाई टू तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी थी आप फोर आपका डिविडेंड था टू ठीक है टू टू ज फोर सिंपल थी अभी तक हमने ये सिंपल कैलकुलेशन सीखी है ना ओके okay. अब देखें इस इस फॉर्म में भी तो हो सकता है ना टू बाई फोर अब इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं हमने वो भी सीखा है कैसे टू के टेबल में वन टाइम टू आता है और टू के टेबल में टू टाइम फोर आता है वन बाय टू ठीक है ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है लेकिन ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म है फिर एक चीज और हमने पढ़ी थी दैट वॉज मिक्सड फ्रैक्शन जैसे मैं लिखती हूँ थ्री वन बाय टू थ्री वन बाई टू अब इसमें मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है एक हमारा होल नंबर होता है ठीक है और दूसरा हमारा क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है ठीक है जो होल नंबर पार्ट होता है उसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है ठीक है मैं सिर्फ चीजों का आपको एक जिस्ट दे रही हूँ वट वी हैव स्टडी अर्लियर ताकि आपको एक चेन बन जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके साथ आप रिलेट कर पाओ ओके आपको पता हो फ्रैक्शन क्या है ओके तो देखिए आप ये भी हमने देख लिया मिक्स फ्रैक्शन फिर हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं सेम होते हैं लाइक वन बाय वन बाय फोर थ्री बाय फोर तो ये क्या है ये एक लाइक like फ्रैक्शन है ओके okay? और फिर हमने पढ़ा था अनलाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है जिसके डिनोमिनेटर जो होते हैं सेम नहीं होते हैं दैट वॉज अबाउट अनलाइक फ्रैक्शन फिर हमने एक पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है न्यूमिरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से और एक पढ़ा था इम प्रॉपर फ्रैक्शन ओके जहाँ पे न्यूमिरेटर जो होता है ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर से ओके okay? हम ये जो उसके बाद हमने पढ़ा था कन्वर्ट करना इक्विलेंट फ्रैक्शन बनाना वो जो हमने इक्विलेंट फ्रैक्शन बनाने में दो मेथड सीखे थे कैसे किसी फ्रैक्शन को इक्विलेंट बनाते हैं एक क्रॉस मैथड था और दूसरा मल्टीप्लीकेशन करके वो जो मैथड है हमारा फ्रैक्शनल इक्विलेंट कैसे करते हैं ठीक है वो मैथड जो हैं हमें आगे यूज़ होंगे ठीक है तो ये एक बार आपने पीछे वाले चैप्टर्स को नज़र लगा लेनी है ताकि हमें नेक्स्ट जो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ईजी हो जाए ठीक है चले अब आप आ जाए चैप्टर पे दैट इज अबाउट डेसीमल फ्रैक्शन ओके अपनी बुक का है आपका ये पेज नंबर 92. अब देखें, डेस, डेसिमल का मीनिंग क्या होता है फ्रैक्शन तो मैंने आपको बता दी फ्रैक्शन क्या होता है ठीक है जब हम किसी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ठीक है और उसको लिखते किस फॉर्म में है वो भी मैंने आपको बता दिया अब डेसिमल का क्या मतलब होता है उसको देखेंगे हम डेसिमल होता है मीन्स टेन ठीक है यहाँ पे डेसी जो होता है ना डेसी जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेसिमल में डेसी जो होता है टेन होता है ओके ठीक है तो डेसी जो होता है वो किसका इसका मतलब क्या होता है टेन ठीक है इस डेसिमल फ्रैक्शन में हम किसके बारे में बात करेंगे टेन हंड्रेड थाउजेंड ओके हमारे चैप्टर में ये तीन है ठीक है टेन हंड्रेड थाउजेंड सॉरी थाउजेंड में तीन जीरो होते हैं ठीक है इसमें हम इसके बारे में बात करेंगे और कैसे इनका यूज होता है वो हम देखेंगे ओके लेट मी रीड दिस पैराग्राफ फिर मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली <laughs> है क्या यू नो दैट 3251 equal to 3 into 1000 plus 2 into 100 plus 5 into 10 plus 1 as you can see the place value gets multiplied by 10 as we move left or divided by 10 as we move right. This system our way of writing is number is called decimal system. decimal stands and the number are called decimal numbers. In this system fraction part less than 1 can be written in a special way using decimal न, में आपको यह बता देती हूं थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी वन ओके इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना थ्री इन टू इसके आगे कितने कौन सी प्लेस पे आई है अगर आप ये प्लेस देखोगे तो ये है थाउजेंड प्लेस पे ओके थ्री थाउजेंड प्लेस पे है तो हम इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके okay? जब हमने सीखा था एक्सपेंड करना ओके okay? तो ये टू किस पे है टू हंड्रेड प्लेस पे है तो इसको हंड्रेड पे कर देंगे मल्टीप्लाई ठीक है और प्लस फाइव किस पे है टेन प्लेस पे है तो टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे और वन तो वन प्लेस पे है तो उसको एज इट इज प्लस वन कर देंगे ठीक है अब आप इन सबको देखें क्या ये इसके इक्वल हैं जो मैंने लिखा है यस yes, ये इसके इक्वल ही है अगर आप इसको थ्री को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये थ्री थाउजेंड बनेगा टू को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे टू हंड्रेड बनेगा लेट मी राइट हेयर फर्स्ट मैंने बोला थ्री थाउजेंड बनेगा जब थ्री को आप थाउजेंड से मल्टीप्लाई करोगे प्लस प्लस का सिंबल है ना तो प्लस डालेंगे फिर मल्टीप्लीकेशन किस में हो रही है टू और हंड्रेड में हो रही है ओके टू और हंड्रेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू हंड्रेड बनेगा प्लस फाइव को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी बनेगा ठीक है अब इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन चैप्टर भी बहुत डिटेल में पढ़ा है और वन ठीक है अब आप इनको ऐड कर लो तो आपका ये फिर अगेन बन जाएगा थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी वन ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कैसे करते हैं अगर हम देखें तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट तो हम टेन टेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है क्या कह रही हूँ मैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं हम टेन टेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं पे आपने वन प्लेस करें टेन मल्टीप्लाई किया ओके okay? फिर टेन से टेन मल्टीप्लाई करो तो हंड्रेड बन जाता है तो हंड्रेड बन गया यहाँ पे जो हंड्रेड प्लेस थी और फिर हंड्रेड से टेन मल्टीप्लाई करो तो थाउजेंड बन जाता है फिर थाउजेंड से टेन मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या बन जाता है टेन थाउजेंड बन जाता है ठीक है तो आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो आप टेन टेन मल्टीप्लाई करते जा रहे हो हर बार जो आपके नंबर गिवन है उस डिजिट से नहीं ऊपर प्लेस वैल्यू चार्ट से ठीक है प्लेस वैल्यू चार्ट में जो प्लेस है उसके ठीक है टेंथ प्लेस पे आप हो तो आप क्या कर रहे हो आप जैसे वन से जा रहे हो टेन पे तो वहाँ पे वन है तो वन से टेन मल्टीप्लाई करो तो आपका टेंथ प्लेस बन जाएगी टेन से टेन मल्टीप्लाई करो तो हंड्रेड प्लेस पे आ जाओगे और हंड्रेड से टेन मल्टीप्लाई थाउजेंड टेन सोन ठीक है यही कह रहा है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो टेन मल्टीप्लाई कर रहे हो और अगर आप राइट right की बात करोगे तो राइट right में आप क्या कर रहे हो डिवाइड करते जाओगे टेन 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 डिवाइड करते जाओगे तो आपके प्लेस वैल्यू चार्ट में आपके नंबर की प्लेस आती जाएगी ओके okay? नौ आ जाते हैं हम डेसिमल पे ठीक है मैंने आपको बता दिया कि डेसीमल में जो डेसी होता है उसका मतलब टेन होता है ठीक है मीन्स हम टेन टेन मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट प्लेस पे जाते हैं ठीक है ये तो हो गया डेसीमल सिस्टम के बारे में अब हम जो डेसीमल को है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पॉइंट लगा के कैसे करते हैं पॉइंट लगा के और उसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन लाइक मैं लिखती हूँ टू बाई टेन मैंने कहा ना इसमें हम टेन थाउजेंड और हंड्रेड की पढ़ेंगे राइटिंग टेंथ एज अ डेसीमल अगर हम टेन को एज अ डेसिमल लिखते हैं टू बाई टेन मतलब कोई बॉक्स था जो टेन पार्ट में डिवाइडेड था और मैंने कहा उसके टू पार्ट क्या है शेडिड हैं और मैं हम बात कर रहे हैं शेडिड एरिया की तो न्यूमिरेटर में क्या आ जाएगी शेडिड एरिया की बात करें तो टू आ जाएगा और डिनोमिनेटर में टन आ जाएगा अगर उस बॉक्स में टेन पार्ट थे और टू पार्ट शेडिड थे लेकिन यहां पे बने नहीं है तो आप जस्ट इमेजिन करें अपनी नोटबुक पे बना लें और उसको टू पार्ट को शेड कर लें टू पार्ट शेडेड थे हम न्यूमिनेटर में बात कर रहे हैं जितने पार्ट की वो शेडिड है और टू है और डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट कितने हैं टेन है टू बाई टेन हो जाएगा अगर मैं अनशेडिड की बात करती तो क्या होता एट बाय टेन ठीक है क्योंकि टू पार्ट शेडेड है तो लेफ्ट अनशेडिड कितने हैं हैं टोटल कितने हैं टेन है अब <coughs> अब देखें इसमें अब हमने क्या करना है हम आगे जाके सीखेंगे कि कैसे हम जीरो पॉइंट करते हैं अब ये क्या बन जाएगा इसकी अगर डेसिमल फ्रैक्शन बनाएं तो वो क्या बन जाएगी देखें जीरो है ना तो पॉइंट टू ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो पॉइंट टू ठीक है जीरो पॉइंट टू ठीक है आप इसको क्या लिख सकते हैं जीरो पॉइंट टू चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो कि जीरो पॉइंट टू क्यों लिखा अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है इसमें दो स्टेप फॉलो होते हैं कन्वर्ट करने को हमने ये फ्रैक्शन थी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दो स्टेप फॉलो होते हैं फर्स्ट स्टेप है, हमने नंबर लिख लेना है जो न्यूमिरेटर में होगा जो भी नंबर होगा यहाँ वन डिजिट नंबर है टू है तो टू लिख लेंगे ठीक है अब इसको कन्वर्ट किस में करना है फ्रैक्शनल पार्ट में सॉरी डेसिमल में करना है तो टू हमने कहा जब भी हम डेसिमल लिखते हैं तो हम क्या डालते हैं पॉइंट डालते हैं ठीक है अब क्या करना है फर्स्ट स्टेप में हमने न्यूमिनेटर लिख लिया जो टू था हमारा फ्रैक्शन में ओके okay? अब हमने काउंट करने हैं जीरो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं वन जीरो है, है ना डिनोमिनेटर में तो हमने उतने ही ज़ीरो के बाद क्या करना है काउंट करना है और प्लेस करना है एक डेसीमल पॉइंट फ्राम लेफ्ट टू राइट उतने ही डिजिट काउंट करके फिर डेसीमल पाउंट रखना है एक जीरो है तो एक डेसीमल एक डिजिट काउंट करेंगे तो वन और ये हो गया पॉइंट ठीक है आई समझ अगर नहीं आई तो अभी आप फिलहाल इतना रखें कि हम क्या सीख रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन और आगे जाके हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एक डेसिमल फ्रैक्शन सॉरी फ्रैक्शन को डेसिमल में ओके okay? नौ no. देखें अब हम आ जाते हैं अपने टेंथ हैंडर्ड और थाउजेंड की डेसिमल पे आपको इतना समझ आ गया कि प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या कैसे नंबर को देखते हैं देखते हैं अब हम आ जाते हैं राइटिंग टेन थाज डेमल लुक एट द स्ट्रिप अब वही एग्जाम्पल ही हुई जैसे मैंने अभी अभी आपको एक स्ट्रिप बना के उसको टेन पार्ट में डिवाइड किया था तो हम लिख सकते हैं अगर थ्री बाई टेन होगा ठीक है तो पॉइंट थ्री ठीक है पॉइंट थ्री और इसको पढ़ेंगे कैसे पॉइंट थ्री और डेसिमल थ्री ओके okay. इसको क्या पढ़ेंगे पॉइंट थ्री आर डेमल थ्री ठीक है तो ये सारा देख लें आप एक बार रीड लगा लें आपको समझ आ जाएगा ठीक है इसी तरह पॉइंट टू डेसीमल टू अब इसमें एक चीज और है देखें यहां पे फ्रैक्शनल फॉर्म हमें फोर पॉंट, फॉर पॉंट टेन थी डेसीमल है पॉइंट फोर ओके अब देखें ये जीरो पॉइंट फोर क्या है जीरो पॉइंट फोर और पॉइंट फोर आर बोथ हा सेम थिंग्स इनको आपने ऐसे नहीं कहना कि ये डिफरेंट है ये दो बहुत दोनों क्या है सेम है ठीक है इसमें ये जो जीरो है ना ये क्या बता रहा है किसी भी फ्रैक्शन में एक होता है होल नंबर पार्ट ठीक है जब उसको डेसिमल पार्ट में लिखते हैं एक होल नंबर पार्ट होता है दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है ठीक है पॉइंट फोर इज आवर फ्रैक्शनल पार्ट ठीक है पॉइंट के लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड पे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है और पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारा होल नंबर पार्ट होता है जीरो पॉइंट फोर मीन्स ये क्या बता रहा है इसमें हमारा होल नंबर पार्ट क्या है जीरो है अगर होता मान लो थ्री पॉइंट टू फोर ठीक है पॉइंट के बाद आपने ट्वेंटी फोर नहीं पढ़ना है ये बात भी आपने याद रखना है डेसिमल के बाद पॉइंट जो हमारा लग गया उसके बाद जब हमने किसी डिजिट को नंबर को पढ़ना है ना तो उसको कैसे पढ़ना है टू फोर नाट ट्वेंटी फोर ओके इसका राइट वे क्या है टू फोर तो अब ये देखें मैं आपको बता रही थी होल पार्ट और डेसिमल अब इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है टू फोर है और डेसिमल पार्ट क्या है थ्री है और ये कैसे बना होगा अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो हम आगे सीखेंगे अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेट इट बी चले अभी आप टेन पे सीख रहे थे तो टेन वाला हो गया आपका क्लियर ओके थ्री टेन कैसे हमने पॉइंट लगा देना है मैंने आपको बता दिया ठीक है या आप जीरो पॉइंट सिक्स लिखो या पॉइंट सिक्स लिखो वो डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हो लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है सेम है क्योंकि ये जो जीरो आप लगाते हो ये आपका होल पार्ट को शो करता है मीन्स इसमें होल पार्ट कुछ भी नहीं है और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है पॉइंट सिक्स ओके पॉइंट सिक्स कैसे रीड करते हैं पॉइंट सिक्स ओके या डेसीमल सिक्स ठीक है चले अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए ये तो टेंथ की बात थी अब हम हंड्रेड वाले सीख लेते हैं ठीक है अगर हमारा टेंथ वाले में स्ट्रिप देखी थी अगर हम कहते हैं कि एक जैसे ये स्केयर ले लें ठीक है बनेगा नहीं यहाँ पे तो यहीं पे आप इसको देखें स्केयर है इसमें शेडिड एरिया एक स्केयर पार्ट है एक बिग स्केर है उसको हंड्रेड स्मॉल स्केयर में डिवाइड किया है तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर मैं कहती हूँ कि इसका शेडिड एरिया बताओ कितना है तो आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो वन बाय हंड्रेड वन बाय हंड्रेड वन बाय हंड्रेड ठीक है और इसको हम डेसीमल uh, फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो वन ओके okay. नाउ अब आपका क्वेश्चन राइज होगा कि मैम ये ज़ीरो कहाँ से आया ठीक है देखें टेन के पार्ट में मैंने आपको बताया था हम ज़ीरो काउंट करते हैं और उसके उतने ही बाद हम राइट साइड से मूव करते हुए लेफ्ट साइड जाते हुए पॉइंट लगाते हैं ठीक है अब इस केस में काउंट करो कितने आपके ज़ीरो हैं वन टू लेकिन हमने पहला पहला स्टेप क्या हम फॉलो करते हैं हम न्यूमिनेटर लिख लेते हैं सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरो होते हैं काउंट करते हैं और उतने ज़ीरो के बाद क्या पॉइंट क्या पुट करते हैं पॉइंट पुट करते हैं अब यहाँ पे वन टू टू जीरो हैं तो टू जीरो के मतलब टू डिजिट्स के बाद टू डेसिमल प्लेस के बाद हमने पॉइंट पुट करना था टू डेसिमल प्लेस के बाद हमने पॉइंट पुट करना था ओके okay, अब डेसिमल में देखें कितने हमारे पास डिजिट है वन ही डिजिट है तो सेकंड है नहीं तो हम यहाँ थोड़े ना पुट करेंगे ये तो किसकी एग्जाम्पल होगी ये हो गई वन बाई की ठीक है वन बाई में एक जीरो होता है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट अब यहाँ तो टू डिजिट है तो इस मीन्स हमारे पास अगर वन ही डिजिट है न्यूमिनेटर में तो एक डिजिट हम खुद पुट करेंगे अब टू थ्री तो नहीं कर सकते जीरो करेंगे और इसके बाद क्या लगा देंगे हम पॉइंट लगा देंगे तो पॉइंट जीरो वन बन जाएगी हंड्रेड का डेसिमल फ्रैक्शन ओके okay, आई होप आपको समझ आ गया होगा और पॉइंट के बाद इस तरफ अगर आप लेफ्ट साइड पे ज़ीरो पुट करते हो तो उसके मतलब होता है कि जीरो प्लेस होल फ्रैक्शन क्या है ज़ीरो है हॉल नंबर सॉरी हॉल नंबर का पार्ट क्या है जीरो है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है लेकिन इसका जीरो का फर्क पड़ता है ठीक है पॉइंट के इस तरफ राइट साइड पे जीरो का फर्क पड़ता है ओके okay. चले अब हमने देख लिया उसका अगर टू पार्ट होते तो भी और जैसे यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स ली हैं तो वो आप खुद रीड कर लेंगे जब आप खुद रीड करेंगे तो आपको मैंने जो बोला है वो भी समझ आएगा अदरवाइज मैं पूरा रीड करके बता दूँ उसका कोई फन नहीं है चले अब आ जाए राइटिंग थाउजेंड एज अ डेसिमल अब थाउजेंड को एस ए डेसिमल कैसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे एक पार्ट है ठीक है ये क्यूब uh, है क्यूब को थाउजेंड पार्ट में डिवाइड किया गया है और एक पार्ट को शेडिड किया गया है तो आप कैसे लिख सकते हो वन बाई थाउजेंड ओके थाउजेंड में तीन जीरो होते हैं तो इसका क्या आ जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन पॉइंट जीरो जीरो कर सकते हो कि मैंने क्यों पॉइंट जीरो तरह टू बाय थाउजेंड होगा तो आप क्या लिखोगे टू बाय थाउजेंड होगा तो क्या लिखोगे पॉइंट जीरो जीरो टू ओके आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा चले अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज पे पहुंचने के लिए पहले हमें बेसिक्स जो है अपना वो क्लियर कर लेना है देखें अब यहाँ पे हमें बताया हुआ है जो मैंने आपको पहले समझा दिया ना साथ में ही वो यहाँ पे आपको बताया हुआ है तो यहाँ पे ये मैं रीड कर देती हूँ आप बुक पे देखें पेज नंबर नाइन्टी फोर राइटिंग फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर लाइक हंड्रेड टेन हंड्रेड आर थाउजेंड एज अ डेसीमल अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर है टेन हंड्रेड थाउजेंड ठीक है डिनोमिनेटर पता है सबको यस yes. अगर हमारा डिनोमिनेटर ये है उस केस में हम फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं वो हमें बताया है पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द राइट अब हम मैंने अभी आपको बोला हम डेसिमल पॉइंट कहाँ से लगाते हैं राइट right से ठीक है राइट right से हम स्टार्ट करते हैं काउंट करना और फिर लगाते हैं डेसिमल पॉइंट ओके इक्वल टू वन नंबर वन प्लस नंबर ऑफ जीरो इन द डिनोमिनेटर ठीक है वन और क्या प्लस करते हैं नंबर ऑफ जीरो कितने हैं डिनोमिनेटर में उसके बाद हम पुट करते हैं डेसिमल पॉइंट टू पोजिशन द डेसीमल पॉइंट करेक्टली यू मे हैव टू फिल इन जीरो एज शोन बिलो ओके अब देखें कैसे हम कर सकते हैं जैसे इन्होंने एग्जांपल ली है फाइव बाई टेन की आप बुक पे देखेंगे तो फाइव बाई टेन है अब इसमें मैंने क्या पुट करना है डेसिमल पॉइंट लगाना है ठीक है इसको क्या बनाना है डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है अब हम पहले क्या स्टेप मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं काउंट करते हैं जीरो इन डिनोमिनेटर कितने जीरो हैं डिनोमिनेटर में वन ठीक है वन जीरो है तो पोजीशन क्या हो जाएगी वन पोजीशन पे के बाद हमें डेसिमल लगेगा एक पोजीशन के बाद ही डेसिमल लगेगा ना डिजिट की एक पोजीशन के बाद ही डेसिमल लगेगा अब चीज क्लियर है ठीक है मतलब तो वन हमने ऐड कर लेना है फार्मूले का वन ठीक है और वन इसमें जीरो है वन प्लस वन कितना हो गया टू मीन सेकंड पोजीशन पे जाके क्या लगेगा डेसिमल पॉइंट लगेगा अगर ये फाइव है तो इसके के साथ सेकंड ये फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगेगा डेसिमल लगेगा ठीक है सेकंड पोजीशन पे डेसिमल लगेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड डिजिट के बाद लगाओगे इसका मतलब ये है कि वन हमने फॉर्मू जो हमें फार्मूला सिखाया गया था ना यहाँ देखें आप रेड बोल लाइन में पोजिशन ऑफ द सेंट्रल ऑफ द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द राइट राइट से हमने जाना है ठीक है ये आपकी राइट right साइड से जा रहे हैं ओके okay. और क्या करना है वन प्लस नंबर ऑफ़ जीरो देखें वन में वन हमारा फार्मूले का है और प्लस हमने नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं तो जीरो कितने हैं वन वन प्लस वन टू हो गया मींस हमने जो है डिजिट कब लगाना है सॉरी डेसिमल कब लगाना है टू डिजिट्स के बाद ठीक है इनको डेसिमल्स बोलते हैं वो हम आगे जाके प्लेस वैल्यू के चार्ट में पढ़ेंगे अभी आप याद रखो डिजिट्स के ही कंटेक्स्ट में कि टू डिजिट्स के, के बाद हमने क्या लगाना है पॉइंट लगाना है डेसीमल लगाना है ठीक है पोजिशन ऑफ पॉइंट कहाँ लगेगा तो हमने मतलब ये फार्मूला किसके लिए है पोजिशन ऑफ पॉइंट ये पॉइंट कहाँ लगेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है वन प्लस नंबर ऑफ ज़ीरो तो वन हमने ऐड किया नंबर ऑफ जीरो इस केस में कितने थे वन थे वन प्लस वन हो गया टू मीन्स सेकेंड पोजिशन पे देखें बात क्या हो रही है पोजिशन की बात हो रही है डोंट कंसिडर इट एज अ डिजिट ओके ये नहीं कहना कि आप मैम आपने एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है ये क्या बता रहा है कि पॉइंट की पोजिशन क्या होगी सेकेंड होगी वन टू तो मीन्स फाइव के साथ में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ठीक है चले आप हंड्रेड वाला केस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा यही मैं लेती हूं वहाँ पे 4 वाला है तो मैं फाइव वाला ही लेती हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए अगर फाइव बाई हंड्रेड होता तो क्या होता हंड्रेड ठीक है हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें डेसीमल में फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम हर बार आपको आप एक बार करना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये क्या होगा माइंड में ही सेट हो जाएगा कि कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा चले कितने डेसिमल्स के बाद पॉइंट लगेगा ओके अब देखें यहां पे क्या है फाइव है मैंने पहले क्या कहा फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिख लेंगे आप जब फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आप पहले न्यूमिनेटर को लिख लेंगे क्योंकि आपने न्यूमिरेटर को ही कन्वर्ट करें ठीक है अब देखें डिनोमिनेटर में जीरो काउंट कर लें वन टू ठीक है अब फार्मूले में हमारे पास पोजीशन फाइंड आउट करनी है हमने क्या पोजीशन किसकी फाइंड आउट करनी है पॉइंट की कि पॉइंट कितने टाइम बाद लगेगा क्या फाइव के साथ ही पॉइंट लगेगा इस केस में चलो देख लेते हैं वन हमारा फार्मूले का है पॉइंट जीरो कितने है? हमारे पास काउंट कर लेने हैं टू ठीक है तो टोटल कितने हो गए थ्री मतलब थ्री थर्ड पोजिशन पर जाके आपका क्या लगेगा पॉइंट लगेगा लेकिन हमारे पास तो यहाँ एक ही डिजिट है तो इस केस में हम क्या करेंगे एक ज़ीरो पुट करेंगे ठीक है जीरो पुट करेंगे अब हो गया वन टू और थर्ड पोजिशन पर आपका क्या लगेगा पॉइंट लगेगा यहाँ से राइट right साइड से ठीक है राइट right साइड से लगाना है लेफ्ट से नहीं अगर आप लेफ्ट से लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा फिर आप इसको फिफ्टी बना दोगे फिफ्टी नहीं बनाना है यहाँ से राइट right साइड से आपकी ये राइट साइड है टूवर्ड लेफ्ट साइड आपने काउंट करने हैं और फिर आपने पॉइंट लगाना है तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एक बार ये समझ आ जाए तो एक्सरसाइज इज नथिंग फॉर यू पीपल ओके तो एक्सरसाइज कुछ भी नहीं रहेगी जब आपको यही यही आपको बार बार कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन कलर शो करने होंगे तो एक्सरसाइज आप लोग खुद करेंगे जब आपको एक बार पॉइंट समझ आ जाएगा ठीक है अब हम सीख रहे हैं तीन तरह के थाउजेंड वाला तो थाउजेंट वाला देखें इसी में लूंगी मैं फाइव बाई थाउजेंड वन सिक्स बाय थाउजेंड की है तो आप वो खुद देख लेंगे फाइव बाई थाउजेंड की ही एग्जांपल मैं यहाँ लूंगी चले अब क्या करना है इसको डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है और फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द न्यूमीरेटर फर्स्ट न्यूमिरेटर को हम यहाँ लिख लेंगे फाइव ओके अब इसको डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है हर बार आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं आप क्या कर लेंगे वन वन आपका फार्मूले का ना प्लस हम नंबर ऑफ़ जीरो काउंट कर लेंगे वन टू थ्री ये रफ में करना है ये जो काउंट करने का काम है वन पॉइंट वन प्लस थ्री ये थ्री क्या है नंबर ऑफ जीरो ये क्या है फार्मूले का हम पोजीशन फाइंड आउट करें कि पॉइंट कहाँ लगेगा पॉइंट की पोजीशन क्या होगी तो वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा तो हमें क्या पता चला कि फोर्थ पोजीशन पे जाके पॉइंट लगेगा फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड फोर्थ पोजीशन पे जाके पॉइंट लगेगा ठीक है अगर यहाँ पे लगा देंगे तो ये तो इसकी सेकंड पोजीशन है ये तो नहीं चलेगा इट मींस हमें यहाँ पे ज़ीरो पुट करने पड़ेंगे ओके okay? अब कितने हो गए वन टू थ्री हो गए थ्री पोजिशन तो कवर हो गई फोर्थ पोजिशन पर क्या लगेगा पॉइंट लगेगा और ये हो गई फाइव की डेसीमल फ्रैक्शन फाइव अपॉन थाउजेंड की डैश डेसिमल फ्रैक्शन ओके की fraction, क्या है? Okay? कि आपको ये समझ आया होगा ठीक है तो इस तरह आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट काउंट करना है पोजीशन फाइंड करनी है और नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं दो ही स्टेप है मीन फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है न्यूमिरेटर लिखना है सेकंड स्टेप में आपने नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं और उसके बाद क्या करना है सॉरी सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है उसका फाइंड आउट करना है पोजीशन ठीक है फॉर्मूला के चलें ठीक है अब आ जाए नेक्स्ट पे चलें अब आ जाए सीधा एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज क्या है इलेवन ए ओके अब यहाँ पे हमें क्या करना है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा डेसिमल्स में फ्रैक्शन में प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट ठीक है अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को वापस से देखें तो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ठीक है एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है जस्ट जस्टे हलवा ओके okay. चले अब आ जाएंगे एक्सरसाइज पे फर्स्ट क्वेश्चन देखें देखें अभी मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन में ही देखें वही पूछा हुआ है आपको राइट द शेडिड एंड अनशेडिड पार्ट अब देखें दो ब्लैंक्स दी हुई है एक ब्लैंक में हमें शेडेड पार्ट लिखना है और दूसरे में अनशेडिड पार्ट लिखना है ठीक है और फिर उसको कन्वर्ट भी करना है कॉमन फ्रैक्शन में कॉमन फ्रैक्शन क्या होती है पी बाय क्यू फॉर्म पी बाय क्यू मीन्स जैसे वन बाई टू ठीक है दिस इज अवर कॉमन फ्रैक्शन इसमें लिखना है और देन हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में ओके डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जो अभी अभी हमने सीखा है ठीक है एक एक में करवाऊंगी बाकी सब पार्ट आप लोग खुद करेंगे ठीक है फर्स्ट देखें आप ए पार्ट कितने हैं इसमें काउंट करें स्ट्रिप्स इसमें है टेन स्ट्रिप्स है और शेडिड एरिया कितना है आपका आपका शेडिड एरिया है थ्री शेड पार्ट जो है इसमें शेडिड है ठीक है थ्री पार्ट आपके क्या हैं Shaded है, चले अब आप इसको क्या लिख लेंगे देखिये इसको क्या लिख लेंगे हमारी क्या होगी कॉमन फ्रैक्शन ये हमारी क्या होगी कॉमन फ्रैक्शन और इसका क्या आ जाएगा अगर आप इसका लिखेंगे डेसिमल uh, फ्रैक्शन तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी जीरो पॉइंट थ्री अब आपके लिए इजी हो जाएगा एक डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा लेना है क्योंकि टेन अगर आपकी डिनोमिनेटर टेन होगा उस केस में आपका पॉइंट की पोजिशन क्या होगी सेकंड पोजिशन होगी बस इतना सा याद रखें और आपका ये सॉल्व हो गया ठीक है अब अनशेडिड एरिया कितने है? अगर थ्री शेडिड है टेन में से थ्री निकाल दो तो अनशेडिड कितने हैं सेवन है बहुत इजी है सेकंड पार्ट में आप क्या लिखेंगे सेवन बाई टेन आपकी बनेगी कॉमन फ्रैक्शन और इसका डेसीमल क्या बनेगा डेसीमल <laughs> फ्रैक्शन क्या बनेगी जीरो ओके बस कुछ भी नहीं है बहुत ईजी है आगे जो पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे काउंट करके शेडेड और अनशेडेड अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर टू में इसमें क्या है राइट एज कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसीमल फ्रैक्शन अब ये क्वेश्चन देखें इसमें कितने पार्ट हैं ये हंड्रेड है ठीक है हंड्रेड हैं तो आपका फर्स्ट क्या बनेगा इसमें क्या है पूछा गया है पहले में हमने शे... कलर्ड पार्ट इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ शेडिड एरिया की बात हो रही है फर्स्ट केस में शेडिड और अनशेडिड दोनों थे न सेकेंड क्वेश्चन में सिर्फ शेडिड एरिया की बात हो रही है तो इसमें देखें कलर्ड पार्ट कितना है देखें क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है वट पार्ट इज कलर्ड राइट अ कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसीमल अभी हमने देखा कॉमन फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है पी बाई क्यू फॉर्म में ओके नाव आपने कलर पार्ट काउंट करने हैं और आपने क्या लिखना है कॉमन फ्रैक्शन और डेसीमल ठीक है आपने कॉमन फ्रैक्शन भी लिखनी है और डेसिमल फ्रैक्शन भी लिखनी है सिमिलर टू दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर वन वहाँ पे हम टेन के के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे यहाँ पे हंड्रेड की कॉन्टेक्स्ट में ये जो स्केयर है इसमें जो स्मॉलर बॉक्स हैं ये हंड्रेड है ओके अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखें ए पार्ट में कितने पार्ट आपको कलर दिख रहे हैं काउंट करें फोर ठीक है सिर्फ इसमें शेडिड बोला हुआ है क्वेश्चन में ये भी देखें पूछा क्या वहाँ पे शेडिड और अनशेडिड दोनों थे यहाँ पे सिर्फ कलर मीन्स शेडिड एरिया तो हाउ मेनी कलर बॉक्स फोर कलर्ड बॉक्स बॉक्स ओके टोटल कितने हैं हंड्रेड है तो क्या बन जाएगा ये तो होगी इसकी कॉमन फ्रैक्शन ये क्या होगी इसकी कॉमन फ्रैक्शन एज आई टोल्ड यू क्या होगा डेसिमल फ्रैक्शन में हमें पॉइंट की पोजीशन जो है वो लगानी है कितने डिजिट्स के बाद लगेगा थ्री के बाद तो क्या हो जाएगा मतलब थर्ड पोजीशन पे थ्री के बाद नहीं थर्ड पोजीशन पे तो क्या होगा फोर उसके साथ जीरो और यहाँ पॉइंट थर्ड पोजीशन पे क्या लगेगा आपका पॉइंट लगेगा ठीक है अब लिखना कैसे है पहले आपने न्यूमीरेटर लिख लेना है सॉरी मैंने इधर डायरेक्ट कर दिया आप देखें कैसे लिखना है जब हमने इसकी फ्रैक्शन बना ली ना ये कॉमन फ्रैक्शन उसके बाद आपने इसकी डेसिमल फ्रैक्शन जब लिखनी है तो आपने न्यूमीरेटर फर्स्ट स्टेप में न्यूमिरेटर लिख लेना है और फिर देखना है काउंट करने हैं आपके ज़ीरो कितने हैं वन टू और प्लस क्या हो जाएगा वन जो फार्मूले का यहाँ पे था ठीक है अगर आपको नहीं भी याद रहता तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पॉइंट है वो थर्ड पोजीशन पे लगेगा मतलब पॉइंट खुद थर्ड पोजीशन पे आएगा तो वन टू और थ्री ओके तो ऐसे भी कर सकते हैं कि तो अगर टू हैं तो दो हैं तो दो जीरो मतलब टू जीरो के बाद आपका पॉइंट टू डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट लगेगा तो वन और टू और फिर लगे आपका पॉइंट ठीक है तो पॉइंट ज़ीरो फोर आपकी डेसिमल फ्रैक्शन बन गई ओके okay? इसी तरह पार्ट बी भी, भी आप करेंगे और आगे जो काउंट है कलर का काउंट करके इसी तरह ये आप लोग खुद करेंगे नाव क्वेश्चन नंबर थ्री देखें क्या है कलर टू शो द डेसिमल अब आपको पिक्चर्स uh, फिगर्स दी हुई हैं इनको आपने कलर करना है नाव यहाँ पे आप एक चीज़ देखें आपको किस में दिया हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम डेसिमल में जीरो पॉइंट टू मीन्स हमें क्या पता कितनी फ्रैक्शन को कलर करना है तो इसको पहले हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में ठीक है इस डेसीमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में देन वी विल कम टू नो कि हमें कितने पार्ट्स को कलर करना है ओके okay. नाउ देखे जीरो पॉइंट टू मींस कितनी पोजीशन पे है पॉइंट सेकंड पोजीशन पे तो ये कौन सा केस होता था टेन वाला ठीक है जहां पे हमारा डिनोमिनेटर टेन होता था तो यहाँ क्या आ जाएगा टू बाई टेन दिस इज वन थिंग एक तरह ये कर सकते हैं आप जीरो पॉइंट टू का कॉमन फ्रैक्शन क्या बन जाएगी ओके टू बाय टेन ठीक है दूसरा आप फिगर में से भी काउंट कर सकते हैं टोटल आपके डिनोमिनेटर में कितने आ जाएंगे टोटल तो टोटल आपके टेन पार्ट हैं और ऊपर क्या आ जाएगा फिर टू देखें ज़ीरो पॉइंट टू यहाँ मैंने आपको कहा था ये होल नंबर होता है और ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा टू तो टू बाई टेन ये दो मेथड है आप पहले वाला ही याद रखें जीरो पॉइंट टू मीन्स आपका दो पोजिशन के सेकेंड पोजिशन पर आपका पॉइंट है मीन्स ये टेन की बात हो रही है ओके चले अब ये तो कन्वर्ट तो कर लिया हमने अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ कन्वर्ट करना नहीं हमें बोला है क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि हमें शेड करना है ठीक है कलर करना है तो अब मतलब हमें इस पूरी फिगर में टू पार्ट्स को कलर करना है हमने फाइंड आउट कर लिया इसी तरह जीरो पॉइंट फाइव का क्या बन जाएगा फाइव पॉइंट टेन क्योंकि सेकेंड पोजिशन पे है पॉइंट तो टेन आ गया इसका क्या बनेगा सेवन पॉइंट टेन अब आपको कलर करना तो आ जाएगा ना यहाँ पे आपने फाइव पार्ट में कलर करना है यहाँ पे आपने सेवन पार्ट में करना है जीरो पॉइंट जीरो फोर यहाँ पे देखें पॉइंट कौन सी पोजीशन पे है थर्ड पोजीशन में तो ये कौन सा केस था हंड्रेड का तो मींस फोर बाय हंड्रेड लास्ट वाला आप खुद फाइंड आउट करेंगे ओके आ जाए क्वेश्चन नंबर फोर पे आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर थ्री क्लियर हो गया होगा अब कलर वाला पार्ट आप खुद कर लेंगे ना इसमें फोर पार्ट डी पार्ट में आपको फोर बॉक्सेस जो है स्केर जो है कलर करने हैं ठीक है द मेन थिंग इज आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर में देखें अब ये जो क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव है ये आप अपनी नोटबुक पे करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर देखें क्या है आपको किस में दिया है कॉमन फ्रैक्शन में दिया है और आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है टू बाई टेन तो इसका डेसिमल क्या आ जाएगा पॉइंट टू तो मैंने आपको कहा था आप होल फ्रैक्शन की अगर होल नंबर की जगह जीरो लगा देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता ठीक है मीन्स यहाँ पे होल नंबर क्या है जीरो है कुछ भी नहीं है अगर होता थ्री पॉइंट टू तो यहाँ पे होल नंबर क्या था थ्री था और आपकी फ्रैक्शन क्या थी कॉम फ्रैक्शनल पार्ट क्या था टू डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट ओके चले ये आपको समझ आ गई होगी चलें इसी तरह आपने इन बाकी सब पार्ट्स को भी कन्वर्ट करना है अब ये देखें थाउजेंड वाला डी पार्ट में बता देती हूँ अभी हमने कहा कितनी पोजीशन के बाद पॉइंट लगेगा फोर्थ पोजीशन पे कितनी पोजीशन के बाद ही फोर्थ पोजीशन पे पॉइंट आएगा तो हमने राइट से करना है नाइन वन टू वन टू थ्री पोजिशन पर तो डिजिट हो गए फोर्थ पोजिशन पर पॉइंट होगा ठीक है पॉइंट इसका कन्वर्जन होगा ठीक है डेसिमल फ्रैक्शन में कॉमन फ्रैक्शन का ओके इसी तरह अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर फाइव में मैं सभी पार्ट इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे तो आपको समझ आएगी कैसे कन्वर्ट करने हैं जीरो पॉइंट फोर सेकेंड पोजिशन पर है तो फोर पाए टेन कॉमन फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना है जीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो फोर कितने हैं थ्री हैं तो मीन्स आपका क्या आ जाएगा फोर अपॉन थाउजेंड ओके आई होप कि आपको ये समझ आया होगा ठीक है इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी तो आपने ये जो क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव है ये आपने नोटबुक पे करना है आई थैंक यू अल्लाह हाफिज़